देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैंसी सेठी। विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष यानी कि कांग्रेस सरकार के अध्यक्ष राहुल गांधी बीते दौरान अपने इस्तीफे को लेकर अड़े रहे। ये हार ही है जो राहुल गांधी की जुबानी अपने इस्तीफे को कहला रही है। ये हार की बौखलाहट ही है जहां पर अब तक राहुल गांधी जो हैं अपने इस्तीफे देने को अड़े रहे। अब ऐसे में राहुल गांधी को मनाने के लिए उनके घर पर प्रियंका गांधी भी पहुंची, तमाम बड़े नेता भी पहुंचे, मगर राहुल गांधी किसी की बात को सुन ही नहीं रहे थे। मगर ऐसे में अब हाल ही में ये कहा जा रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के पास कोई भी विकल्प नहीं है, जिसको लेकर अभी इस पद को छोड़ने की मंजूरी उन्हें दी जाए। तो ऐसे में राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट सामने आया है और वो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि उनका कहना है जब तक कोई विकल्प नहीं मिल जाता तब तक अध्यक्ष पद पर मैं ही हूं। ऐसे में विकल्प को ढूंढा जा रहा है, यानी कि पार्टी दो हिस्सों में बट गई। हार के बाद अपनी ही पार्टी में फूट पड़ गई। हार के बाद अध्यक्ष पद को छोड़ने के लिए राहुल गांधी ने जिद को पकड़ लिया है। क्या कुछ है पूरी खबर जो 23 मई के बाद कांग्रेस की सरकार और इसकी राजनीति को बदलती हुई देखी जा रही है, देखिए अब हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों के बाद से ही राहुल गांधी अब अपने इस्तीफे देने की बात पर अड़ चुके हैं। जी हां, राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे, उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया। इस्तीफे के प्रस्ताव पर राहुल गांधी जो हैं सोनिया गांधी को ये प्रस्ताव दे चुके हैं। CWC की मीटिंग के तहत भी राहुल गांधी को काफी कोशिशें की गई कि वो ये पद ना छोड़े, मगर अब भी वो पद छोड़ने की आड़ में अड़े हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब तक अध्यक्ष पद के लिए कोई ऐसा अनुभवी नेता कांग्रेस को नहीं मिला है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कहा ये जा रहा है कि अब राहुल गांधी जो हैं तब तक अध्यक्ष पद पर रहेंगे जब तक कोई नया विकल्प नहीं मिल जाता। प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी अपने भाई को लेकर, अपने बेटे को लेकर, इस इस्तीफे को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी ऐसी बात पर अड़ चुके हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। ऐसे में तमाम बड़े दिग्गज नेता राहुल गांधी के घर पहुंचे थे, राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की गई, मगर राहुल गांधी नहीं माने। दरअसल आपको बता दें कि कहा ये जा रहा है कि जब तक राहुल गांधी जो हैं कोई और विकल्प नहीं ढूंढ लेंगे तब तक राहुल गांधी का इस्तीफा भी स्वीकारा नहीं जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में एक सूत्र ने बताया है कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद के रूप में कार्य करते रहें, मगर राहुल अब अध्यक्ष के तौर पर काम नहीं करना चाहते। जैसे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने कहा है कि वो राहुल का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। असम कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने भी राहुल से कहा है कि अपना इस्तीफा वापस ले लें, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो भी इस्तीफा दे देंगे। दरअसल बता दें कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है, राहुल की गैर मौजूदगी में मौजूद विपक्ष कौन बनेगा? केवल एक पार्टी है कांग्रेस, राहुल में वह काबिलियत है जो इन हालातों में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। ऐसे में अब तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि आप प्रियंका गांधी होंगी इस पार्टी की अध्यक्ष, क्योंकि राहुल गांधी अब अपना विकल्प ढूंढ रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि बस राहुल गांधी तब तक ही पार्टी में काम करेंगे अध्यक्ष पद पर जब तक कोई विकल्प नहीं मिल जाता, मगर उसके दूसरी ओर ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है पहले खूब कोशिश करके उन्हें मना रही थी, मगर ना मानने के बाद भी अब राहुल गांधी और कांग्रेस सरकार जो है अब राहुल गांधी के विकल्प के लिए नेताओं को खोज रही है। देखना यही होगा कि राहुल गांधी के बाद अब कौन सा नया कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, जिससे कांग्रेस पार्टी की और भी पकड़ मजबूत होगी। यकीनन ही सोचा ना था कि इतनी बुरी हार होगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस को उम्मीद थी कि महासचिव प्रियंका गांधी को वो जिस तरीके से मैदान पर उतार रहे हैं तो इस बारी प्रियंका गांधी का वो जादू दिखेगा। हालांकि हम यहाँ पर ये बात नहीं कहेंगे कि प्रियंका गांधी का जादू जो है वो दिखा नहीं। अगर प्रियंका गांधी पहले आती
चुनावों के दौरान ना आके अगर वो इस राजनीति में करीबन 6 और 1 साल पहले आती तो शायद प्रियंका गांधी वाड्रा नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज कर पाती और यहाँ पर सरकार में नए नए चेहरों के साथ साथ नए बदलाव भी देखे जाते। मगर प्रियंका गांधी का चुनावों के दौरान मैदान पर उतरना, जनाब ये जनता सब जानती है और ये जनता का ही फैसला था कि बहुमत से इस बारी भाजपा की सरकार एक बार फिर से प्रचंड जीत का जश्न मना रही है। अब ऐसे में राहुल गांधी फिलहाल तो अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे, मगर हाँ देखना होगा कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद अगर छोड़ देते हैं तो क्या प्रियंका गांधी अध्यक्ष बनेंगी या फिर कोई और नया चेहरा कांग्रेस का सामने आएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।